हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निकल आईटीआई, इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र, क्रेच यहां पर बंद कर दिए गए। इसके अलावा लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। ग्रुप ए में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत सभी सिनेमा हॉल यहाँ पर बंद रहेंगे। थिएटर, मल्टीप्लेक्स को पूरी तरीके से बंद रखना होगा। इसके अलावा बाकी जिलों में 50% क्षमता के साथ खोल सकेंगे। 5 जिले 5 बजे तक यहाँ पर जो है मार्केट खुले रहने का आदेश जारी किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और पाबंदियां लगाई गई हैं। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, हरियाणा में भी इसके केसेस लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से सतर्कता बरतते हुए एक गाइडलाइन अब जारी कर दी गई है, जिसके तहत बहुत सारी चीजें एक बार फिर से बंद कर दी गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं क्या कुछ नई गाइडलाइन है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में पाबंदियां हैं। 5 जिलों में 5 बजे तक ही मार्केट जो है खुली रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल और आईटीआई, आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। क्रच, प्रशिक्षण केंद्र, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दोनों डोज लगवाने वालों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री दी जा रही है। बिना वैक्सीन वाले लोगों की बस और ट्रेनों में भी एंट्री पूरी तरीके से बैन है। अंतिम संस्कार में 50 और शादी समारोह में 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत रूप से यहां पर जो है उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थान के तौर पर किया गया तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें 5 जिले मुख्य तौर पर यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें ये पाबंदियां लगाई गई है। यहाँ 5 जिलों में 5 बजे तक ही मार्केट खुली रहेगी। इसके अलावा इन 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेंटर, क्रच भी बंद कर दिए गए हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही एहतियात के तौर पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो और ना फैले। और यहाँ पर जो एक नियम था 1 जनवरी से कि बिना वैक्सीनेशन के कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर हो बस, रेल में एंट्री नहीं दी जाएगी, ये सख्ती भी हरियाणा प्रदेश में 1 तारीख से लागू हो गई है। और उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। खासतौर पर फिलहाल 5 जिलों में अभी नई गाइडलाइन जारी की गई है, नई पाबंदियां लगाई गई हैं इन 5 जिलों में। जिन्होंने दोनों डोज ली है वैक्सीन की, उनको सभी जगहों पर एंट्री है, लेकिन जिन्होंने दोनों डोज नहीं ली है उनके लिए सभी जगहों पर एंट्री बैन रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना, अगर कोई संस्थान इसका उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा, और जुर्माना नहीं दिया तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 5 जिले आपको बता दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत, जिनमें पाबंदियां लगाई गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों का हम रुख करेंगे। वहां से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। बता दें कि पंचकुला से जितेंद्र पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा उकलाना से अमित वर्मा और बिलासपुर से शरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रोहतक की अगर बात कर लें तो यहाँ पर, क्योंकि हालांकि अभी रोहतक उन जिलों में शामिल नहीं है जहां पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं, नई गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो तमाम नियम है सख्ती वाले वो लागू हो गए हैं। आज दूसरा दिन है और कितनी सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, और लोग इसके प्रति कितने जागरूक है, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं जितेंद्र? जी जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि
जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है और उसको लेकर के तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है, और कल से जो है वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको लगना शुरू हो जाएगा। 58,000 की अगर बात करें तो रोहतक की अगर बात करें तो 58,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको डोज लगाई जाएगी, और उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली, अंतर्राष्ट्रीय विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, उसको लेकर के स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है, कितने स्कूल में कितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर है रोहतक की अगर बात करें तो 7 वैक्सीनेशन सेंटर जो स्पेशल बच्चों के लिए जो बनाए गए हैं कि जिसमें 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को डोज लगेगी। इसके अलावा टोटल अगर कुल बात करें तो 31 जो वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, और वैक्सीनेशन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिला जिस तरह से प्रशासन सख्त हुआ है, सरकार ने जिस तरह से आदेश दिए हैं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए अगर आपने दोनों डोज लगवा ली है तो आप जो है प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, या पेट्रोल पंप की बात हो, या स्कूल कॉलेज या कहीं पर जाने की बात हो, तो पूरी तरह से जो वैक्सीनेटेड होगा जो उसको जो है जाने की इजाजत है, अन्यथा जो है आपको बाहर रोक लिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा जाएगा। इसलिए जो है अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो है भारी जो है भीड़ देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं कल से जो है स्टूडेंट्स को भी डोज लगेगी, उसको देखते हुए सरकार ने जो रोहतक प्रशासन की अगर बात करें तो अलग से जो वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार जो दो लहर आई उसमें काफी नुकसान जो है लोगों को भुगतना पड़ा था, जान माल का हाथ धोना पड़ा था, ऐसी संख्या दोबारा ना हो इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार भी अलर्ट है और लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर होते नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर के जो है स्वास्थ्य विभाग ने पूरे कदम उठा लिए। अगर एक और बात अगर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जिस तरह से ऑक्सीजन की जहां पर कमी देखी गई थी उसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई है कि जो वार्ड बॉय से लेकर के नर्सिंग स्टाफ से लेकर के एमबीबीएस डॉक्टर तक जो है ऑक्सीजन की जो ट्रेनिंग है पूरी तरह से उनको दी गई है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी से किसी तो रोहतक में स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, तमाम तैयारियों की पहले ही समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल उकलाना से भी हमारे साथ अमित वर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, कितना यहाँ पर असर सरकार की शक्ति का दिखाई दे रहा है उकलाना में, क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेट हैं वो ही सभी जगहों पर जा सकते हैं, जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं सार्वजनिक जगहों पर केवल उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जो कि वैक्सीनेट हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, कितना असर इसका देख पा रहे हैं वहां पर? अगर उकलाना की बात की जाए, उकलाना के अंदर ऐसे कोई भी शक्ति नहीं दिखाई दे रही कि जैसे कि वैक्सीनेशन चेक की जा रही है, बस स्टैंड की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए या किसी सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, अभी लोग जैसे पहले की तरह आम दिनों की तरह बस स्टैंड पे आ रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर जांच करने के लिए कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बैठा हुआ है। और बात की जाए तो पूरे इस जिले की बात की जाए, इस जिले के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, पहले दिन की बात की जाए या अभी तक की बात की जाए तो बस स्टैंड के अंदर काफी भीड़ है। अभी कल के प्रोग्राम की बात की जाए तो इस जिले के अंदर 2 प्रोग्राम हुए थे जिसके अंदर एक अमन गुप्ता का शानदार स्वागत हुआ था, पहली बार पहुंचने पर पीडब्ल्यू रहता उसमें कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था, लेकिन वहां पे भी जो गृह मंत्री ने आदेश दिए गए थे उसकी दर्जिया उठती दिखी थी, किसी बंदे ने भी किसी मंत्री की बात की जाए कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो किसी ने भी मास्क का पालन नहीं किया था और ना ही 2 गज की दूरी पालन कर रहे थे सभी कार्यकर्ता, या मंत्री की बात की जाए फोटो खिंचवाते थे। वैसे वही राज्य मंत्री अनूप धारंग ने पुराना क्षेत्र कई गाँव का दौरा किया गया था, वहाँ पे काफी संख्या के अंदर भीड़ देखी गई थी और किसी भी तरह का पालन नहीं किया गया था। तो साफ तौर पर यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है और जो बेसिक नियम हैं उनका ही यहाँ पर पालन होता रही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कल से यहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेट करने का जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारी देख पा रहे हैं अमित? अभी बात की जाए तो अभी तक तैयारी की बात की जाए सरकार ने निर्देश दिए गए, लगभग कल 9 बजे से कॉलेजों के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उकलाना की बात करें तो सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय के अंदर वैक्सीनेशन 9 बजे शुरू हो जाएगा, उसके बाद आर्य कन्या महाविद्यालय के बाद वैक्सीनेशन होगा, और लगभग पूरे इस जिले की बात करें तो लगभग 12 कॉलेजों के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसका समय रहेगा 9 बजे लेकर 2 बजे तक, जिसको लेकर बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है और आसपास के लोगों द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है कि तीसरी लहर संभावित देखी जा रही है, उसको लगातार जी। वहीं बिलासपुर से भी हमारे साथ संवाददाता शरणजीत जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरणजीत, अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, कितना असर नियमों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और कल से शुरू होने वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? बिलासपुर में अगर बात करें तो बिलासपुर में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है हल्का फुल्का जो अलर्ट है वो दिखाई देता है,
अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक किया जा रहा है और बिलासपुर में प्रतिदिन जो है कोरोना वैक्सीन की डोजेज जो है वो लगाई जा रही है। अगर बात करें आज की, तो आज भी जो है कोरोना वैक्सीन का कैंप जो है हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है। और बात करें अगर सड़क पर सख्ती की, तो लोग जो है कहीं ना कहीं मास्क को लेकर अभी इतना ज्यादा जागरूक नहीं है, क्योंकि लोग हल्के में ले रहे हैं इस चीज को, और पुलिस लगातार जो है उनका चलानी करती हुई नजर आ रही है। दिन हो चाहे रात, नाइट कर्फ्यू में हो, लगातार जो है पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। ऐसे में अब कल जो वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे थे, वो वैक्सीनेशन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इस चीज को लेकर अभी गाँव देहात में जो है इन चीज को लेकर सीरियस नहीं है। जी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा प्रदेश में अगर हम बात करें, तो कुछ जगहों पर सख्ती देखने को मिल रही है, कुछ जगहों पर बिल्कुल भी असर नहीं दिखाई दे रहा है इन नियमों का, नई गाइडलाइन का। और वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो ज़रूर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। कल से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कल से यह प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।